दोस्तों आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में जानेंगे। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। फिर सुप्रीम कोर्ट अपने रिट पावर को यूज करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ऐसे ही हम लोग हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। हाई कोर्ट किसी और पर्पज के लिए भी रिट को इशू कर सकते हैं। आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है एंड आर्टिकल 226 हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। एंड इसीलिए कहा जाता है हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन थोड़ी वाइडर है क्योंकि ये किसी और पर्पस के लिए भी रिट को इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर रिट इशू करती है तो वो ऑल ओवर इंडिया के लिए वैलिड रहता है, मतलब उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन थोड़ी ज्यादा है। बट जो हाई कोर्ट है वो रिट सिर्फ अपने ही स्टेट के लिए इशू कर सकता है। 5 तरह के रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरेरियन, क्यो वारंटो। वीडियो अगर समझ आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।